ये कुंड में नहाने के क्या क्या फायदे हैं बता सकते हैं? बहुत फायदा, खुजली उजली सब मिट जाएगा। अच्छा, सर्दी बुखार जल्दी सब मिट जाएगा। इससे ज्यादा गर्म कहीं पे नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा यहीं पे है। 70 डिग्री सेल्सियस पानी में, जो कि गर्म पानी है, और इसमें ये लेटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है भैया? गुड गुड। बाली बाली भाई, हम पैर नहीं रख पा रहे हैं इसमें। और ये देखिए भैया, पूरा बदन अब अंदर डाल दिए हैं। तो पानी पहाड़ों से आता है। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं दोस्तों, पानी अगर देखें तो कितना स्पष्ट, एकदम साफ पानी है। देखिए कितना साफ है पानी, ऐसा पानी है। बोतल में भरने के बाद देखिए, मिनरल वाटर। और ये पानी का क्या क्या फायदे है कुछ बता सकते हैं? गैस आदमी को नहीं बनेगा, देह में जितने भी चर्म रोग ये वो दाग देखते हैं सब क्लीन हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रज किशोर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिस्कवर ब्रज। दोस्तों, इस वक्त हूं बिहार के मुंगेर जिला में, और मुंगेर जिला में स्थित मैं आपको एक ऐसे कुंड के पास लेकर जाने वाला हूं जिसका नाम है ऋषि कुंड। ऐसा बताया जाता है कि इस कुंड का पानी जो आता है वो गर्म रहता है, और इसमें नहाने से लोगों का जो चर्म रोग होता है, स्किन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कोई भी रोग होता है, तो उस दूर हो जाती है, यानी कि वो ख़त्म हो जाती है पूरी तरह से। तो चलिए चलते हैं इस चमत्कारी कुंड के पास और आपको दिखाते हैं इस चमत्कारी कुंड के बारे में। तो दोस्तों, इधर देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको छोटी मोटी दुकानें देखने को मिलेगी। तो चलिए लेके चलते हैं आपको कुंड के पास, और वो कुंड का मैं दर्शन कराता हूँ, और वहाँ पर लोग जो भी आते हैं वो यहाँ पे नहाते हैं, और चर्म रोग से रिलेटेड जो भी उनकी समस्या होती है वो दूर हो जाती है। ये देख सकते हैं पहाड़ों का गजब यहाँ पे आपको नज़ारा देखने को मिलेगी। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटो से भी लोग आते हैं क्योंकि ये थोड़ा दूर पड़ जाता है सिटी से। और इधर देख सकते हैं, यही वो कुंड है। और ये कुंड का अगर जल की बात करूँ तो ये जल काफ़ी गर्म है। इस कुंड का अगर टच करेंगे तो लगभग आपको 20 से 30 सेंटीमीटर मतलब सेल्सियस आपको गर्म देखने को मिलेगी ये कुंड का जल। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी गर्म है ये। और दोस्तों, ये कुंड इतना गर्म है जितने जिसमें आप आराम से नहा सकते हैं। ये तो कुंड कुछ नहीं है, ये जो पानी जो है, ये जो पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ के इधर से आता है, मतलब पहाड़ से रस के निकलता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ से इस कुंड में पानी आता है। दोस्तों, इधर देख सकते हैं, ये इधर भी लोग कैसे नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर लोग मुंडन कराने भी आते हैं, शादी भी होता है यहाँ पर। देख सकते हैं वहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर में करवाते हैं सब। इधर से मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाऊं तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगी, वो दिखाई दे रहा है मंदिर। उस मंदिर में लोगों का विवाह भी होता है और यहाँ पे आते हैं, और जो भी रोग होते हैं कुष्ठ रोग से या कुछ किसी भी चीज़ से पीड़ित, स्किन से रिलेटेड, तो इस कुंड में नहाते हैं तो उनका यह रोग से छुटकारा मिल जाता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि कुंड का जल का पानी आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर देखिए लोग कैसे नहा रहे हैं। इधर भी देखिए भाई लोग हैं जो यहाँ पर नहा रहे हैं कुंड में। भाई, कितना गर्म पानी है? नहाने भर से है। इधर घूमिए, आराम से नहा सकते हैं। नहा सकते हैं? यस। अच्छा, और ये यहाँ पे कब का भीड़ लगती है? ऐसे तो भीड़ का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, कभी भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो जगह है, इधर घूम के बोलिए ना, बहुत पुरानी जगह है। जी जी, बहुत दूर दूर। अच्छा, भाई साहब को उतना जानकारी नहीं है। आप भैया कैसा लग रहा है, कहाँ से आए हैं? कहाँ से? पहाड़पुर से आए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं ये लोग, देखिए यहाँ पे कैसे यहाँ पे स्नान कर रहे हैं ये पानी में, जो कि काफ़ी गर्म है पानी दोस्तों। साल में देख सकते हैं एक बार मेला होता है। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर बात करूँ भीड़ की, तो यहाँ पे 3 साल में एक बार मलमास का मेला लगता है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे देखिए, ये भी भाई साहब देखिए कैसे नहा रहे हैं, यानी कि यहाँ दूर दूर से जो भी लोग आते हैं। ये कुंड में नहाने के क्या क्या फायदे हैं बता सकते हैं? बहुत फायदा, खुजली उजली सब मिट जाएगा। अच्छा, सर्दी बुखार जल्दी सब मिट जाएगा। अच्छा अच्छा, सर्दी भी है बुखार भी है, अगर नहा लिया तो सब बिक जाएगा, मतलब कि मिट जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ कुंड का जो झरना होता है वहाँ से पानी आता है, देखिए वहाँ पे भी नहा रही हैं, वहाँ पे नहा रहे। तो चलिए वहाँ का मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोग पीने के लिए पानी लेकर जा रहे हैं। भैया पीने के लिए लेकर जा रहे हैं ना पानी? कहाँ से आए हैं आप? बरियारपुर से। अच्छा, क्या फायदे है पीने के इसके पानी के? कुछ पानी पहाड़ों से आता है। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं दोस्तों, पानी अगर देखें तो कितना स्पष्ट, एकदम साफ पानी है। देखिए कितना साफ है पानी, ऐसा पानी कहीं मिलेगा? बोतल में भरने के बाद देखिए, मिनरल वाटर। देखिए कितना फ्रेश पानी है, देख सकते हैं दोस्तों। और काफी ये पानी है जो जी बहुत जल्दी ना पाचन करता है। अच्छा अच्छा, मतलब भोजन को पचाता है।
तो देख सकते हैं दोस्तों कितना साफ है, और भैया देखिए यहाँ पे पानी पी रहे हैं। तो दोस्तों ये जो पानी है जो जड़ी बूटियों से मिल के आ रहा है, जिस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं इनका और भी गुण बढ़ जाता है। और ये जो देख रहे हैं ये सब जैसे यहाँ पे ये बनाया गया है, उससे बनाया गया है ये सब, जो इसी से पानी होकर, और यहाँ पे देखिए पाइप लगाया गया है, यही पाइप जाता है वो कुंड में, इसका पानी जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। और दोस्तों मैं बात करूँ तो वहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों आरओ वाला जो मशीन होता है, आरओ जल वाला, देख सकते हो बड़ा सा टैंकर में भी देखिए यहाँ से इसी कुंड से पानी लेकर जा रहे हैं। देखिए ऊपर भरा जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, सामने दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कैसे लोग नहा रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इस कुंड के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों इस वक्त देख सकते हैं मैं ऋषि कुंड में मैं उतर गया हूँ, और यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं ऋषि कुंड तपोवन मुंगेर बिहार, और इसी में मैं स्नान कर रहा हूँ। अगर बात करूँ इस पानी का तापमान की, लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें मैं नहा रहा हूँ बहुत ही आनंद से, और निकलने का मतलब मन ही नहीं कर रहा है भाई। देखिए फिर एक डुबकी मारता हूँ, एकदम पूरा दम शरीर में जितने भी आपका जो बदन दर्द होगा वो सब पूरा छूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर भी भाई लोग कैसे स्नान कर रहे हैं। अगर आप भी यहाँ आते हैं एक बार तो ज़रूर आनंद लीजिएगा। क्या भाई कैसा मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा पानी गर्म कैसे हो रहा हो तो बता। तो दोस्तों अगर इस कुंड के इतिहास के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे विभांडक ऋषि और श्रृंगी ऋषि का तपोभूमि ये रहा है, क्योंकि ये जो दोनों ऋषि थे यहाँ पे ये देख रहे हैं पहाड़, इन्हीं पहाड़ों पे तप किया करते थे, और इसी कुंड में ऐसा बताया जाता है कि वो लोग स्नान किया करते थे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये कुंड तो कुछ नहीं, चलिए इसके आगे वाला कुंड दिखाता हूँ, जो कि ऐसे ही आपको तीन कुंड देखने को मिलेगी। जैसे कि ये हल्का गर्म पानी है, इससे आगे वाला कुंड में जाएंगे तो वो थोड़ा और ज़्यादा पानी आपको गर्म देखने को मिलेगी, और उसके आगे वाला कुंड में जाएंगे तो खौलता हुआ आपको पानी देखने को मिलेगी। तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं दूसरे कुंड की तरफ आ गया हूं, और यहां पे इस कुंड में ऐसा बताया जाता है कि यहां पे बहुत लोग स्नान नहीं करते हैं, लेकिन अगर इस कुंड के जल की अगर बात करूं गर्म होने का, तो वो जो कुंड आपको दिखाया था उस कुंड से थोड़ा सा तापमान इस कुंड का ज़्यादा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कपड़े साफ कर रहे हैं कुछ लोग। तो चलिए एक और कुंड है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ, और वहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि ये कुंड तो कुछ नहीं है, उस कुंड का जल अगर बात करूँ तो वो खोलता हुआ जल है। और वहाँ पे अगर पानी की बात करूँ तो पानी काफ़ी ज़्यादा आपको गर्म वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ से लगभग आपको वहाँ पे जाने के लिए 5 मिनट का समय लगेगा। तो देख सकते हैं यही रास्ता है, इसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तो दोस्तों लगभग 3 मिनट पैदल चलने के बाद देख सकते हैं मैं ऐसा जंगल में आ गया हूँ, जैसा कि आप पीछे का नज़ारा आप देख ही सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कितना दूर और है वह, क्योंकि लोगों से मैं पूछा था तो बताए थे कि भैया 5 मिनट लगेगा अगर वो इससे भी ज़्यादा गर्म वाला अगर कुंड के पास जाते हैं तो। तो ये देख सकते हैं इधर से ही मैं जा रहा हूँ, ये जंगल आपको दिख ही रहा होगा आपको। आइए यहाँ पे महाराज जी हैं, एक उनसे बात कर लेते हैं भाई साहब कि भैया कितना दूर है वो। तो दोस्तों आ गया मैं उस कुंड के पास थोड़ा दूर चलने के बाद, और यहाँ पर देखिए भाई लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, और ये ऐसा बताया जाता है कि ये कुंड का जल वो जो ऋषि कुंड देखे थे उससे काफ़ी गर्म है, हॉट है। चलिए मैं टच करके देखता हूँ, छू कर थोड़ा देखूँ। हाँ भैया वाकई गर्म है, उससे ज़्यादा है ना हॉट, वहाँ और गर्म रहेगा। देखिए दोस्तों अगर ध्यान से देखें क्या गर्म कहीं पे नहीं। अच्छा सबसे ज़्यादा यहीं पर है। अच्छा पानी कहाँ से आता है, अच्छा पहाड़ों से ना। यहाँ पे दोस्तों देखिए भाई साहब यहाँ 70 डिग्री सेल्सियस पानी में, जो कि गर्म पानी है, और इसमें ये लेटे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है भैया, गुड गुड बाली बाली भाई, हम पैर नहीं रख पा रहे हैं इसमें। और ये देखिए भैया पूरा बदन अब अंदर डाल दिए हैं, ये देखिए ओहो मेरा बना देख रहे हैं। और दोस्तों उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे भी देख सकते हैं कुंड है, यहाँ पे देखिए बहुत लोग शैम्पू देखिए नहा धोवा के यहाँ पे फेंके हुए हैं। इसका भी पानी उतने ही टेम्परेचर का है जितना कि उतना बताया था। आइए बात कर लेते हैं थोड़ा इसके फायदे इस जल के। ये आप भैया कहाँ से हैं, हम यहीं लोकल हैं। लोकल हैं तो आप कब कब आते हैं नहाने, हम तो एक दिन के बाद एक दिन डेली आते हैं। अच्छा एक दिन बीच करके आते हैं। अच्छा इतना गर्म जल है कैसे नहा लेते हैं आप, ठंडी के दिन में कंटिन्यू आते हैं, कंटिन्यू आते हैं ठंडी के दिन में कंटिन्यू। अच्छा अच्छा मैंने नहा के यहीं आके नहाते हैं। अच्छा गर्म पर 10 मिनट तक रुके, 8 बजे नाइट होगा तो पर भी आके नहाए। हाँ
मतलब गर्म पन करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है पानी। हाँ। अच्छा अच्छा, और ये पानी का क्या क्या फायदे है कुछ बता सकते हैं? तो गैस आदमी को नहीं बनेगा, देह में जितने भी चर्म रोग ये वो दाग देखते हैं सब क्लीन हो जाए। अच्छा अच्छा, गैस भी नहीं? अच्छा, कंटिन्यू नहाता है, सेवन करता है इस पानी का? तो समस्या है, वो पानी ले जाके पिएगा ना वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अच्छा भैया, आप कब कब पानी लेकर जा रहे हैं पीने के लिए? अच्छा अच्छा, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भैया जी, देखिए दो बोतल में पानी भी भर लिए हैं और लेकर जा रहे हैं सेवन करें। कलकत्ता जाता है डिब्बे में लोड होके 15 लीटर का डब्बा। अच्छा अच्छा, जमालपुर स्टेशन में आप कभी देखते होंगे व्हाइट व्हाइट डिब्बा जो चढ़ता है यहीं का पानी चढ़ता है। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं भैया जी, देखिए वहाँ साइकिल पे लादे 15 लीटर वाला बोतल जो कि लेकर जा रहे हैं घर और ये इसी का पानी का सेवन करेंगे। और वाकई में दोस्तों अगर पानी की बात करूँ तो देखिए कितना साफ है पानी है, मेरा भी मन कर रहा है दोस्तों नहाने का। चलिए देखते हैं, यहाँ नहीं ये तो काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी है, ऋषि कुंड में ही मैं नहाऊँगा। यहाँ पे देखिए भैया आके दम कपड़ा साफ कर दिए, दम गजब कपड़ा पूरा साफ होता है, साफ हो जाता है ना दोस्तों। अगर बात करूँ तो देख सकते हैं यही वो है, इधर से ही देखिए पानी आ रहा है, देख सकते हैं, और यही पानी है, देखिए कितना स्वच्छ है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भाप भी आपको देखने को मिलेगी जो कि पानी भाप यहाँ पे निकाल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ऋषि कुंड वाला वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे जुड़ी और कोई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।